नमस्कार, अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आज बात करेंगे बचपन में थामा हाथ अब बुढ़ापे में नहीं मिला साथ। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कोई खुशी का मौका नहीं है बल्कि हमारे समाज की शर्मनाक सच्चाई आज ही के दिन अपने विकृत रूप में प्रकट हो जाती है। जिन बुजुर्गों ने अपने बच्चों युवाओं को पाल पोस कर बड़ा किया, उनके लिए अपने सारे आर्थिक संसाधन खर्च किए, अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने बच्चों को दिया, उनकी हालात दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। आर्थिक और शारीरिक रूप से असक्षम हो चुके इन बुजुर्गों के पास अकेलेपन के सिवा और कुछ नहीं है। उनके आत्मसम्मान को पग पग ठेस लगती है। लगभग 70% बुजुर्ग दुर्व्यवहार झेलते हैं और इनमें महिलाओं की स्थिति ज़्यादा दयनीय है। बुजुर्गों के प्रति इस व्यवहार को कैसे रोका जाए, आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत है। आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है, यानी बुजुर्गों के साथ बढ़ते दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार करने का दिवस। बुनियादी रूप से देखा जाए तो भारत में इस तरह के दिवस को मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन संसार का नियम है कि जहां जो संकट में है उसका दिवस मनाया जाता है। महिलाओं का सम्मान संकट में है, इसलिए महिला दिवस मनाया जाता है, और बुजुर्गों का आत्मसम्मान संकट में है, इसलिए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और इसकी जरूरत भारत में भी है, क्योंकि भारत में बुजुर्गों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सामाजिक दृष्टि से बुजुर्ग भयानक आर्थिक सुरक्षा को झेल रहे हैं। सरकारी नौकरी के बाद पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की बात थोड़ी अलग है, लेकिन बाकी जो बुजुर्ग आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, उन्हें लगातार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। संपत्ति विहीन और शारीरिक सामर्थ्य विहीन इन बुजुर्गों की स्थिति बिगड़ रही है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, वह शारीरिक हिंसा का सामना करते हैं, बीमारी में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और कई बार गंभीर रूप से बीमार होने पर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता है, जो उनकी मौत का कारण बनता है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब अकेले रहने वाले बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया और अचानक मौत के बाद उनकी अंतिम क्रिया के लिए भी परिवार के लोग उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे बुजुर्गों की अंतिम क्रिया पड़ोस के लोग या समाज सेवी करवा रहे हैं। यह हमारे समाज की ऐसी भयानक सच्चाई है जो दिन ब दिन और विकृत रूप में प्रकट हो रही है। जो बुजुर्ग अपनी जवानी और अपने आर्थिक संसाधन अपने बच्चों को पालने, उनका करियर बनाने में खर्च कर देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। इसका बुनियादी कारण भारतीय समाज का विघटन है। शहरीकरण के चलते परिवार छोटे हो रहे हैं। परिवार में बुजुर्गों को रखना अब एक अभिशाप बनता जा रहा है। मियां बीवी और बच्चे अपने में ही खुश हैं। उन्हें बुजुर्गों से कोई सरोकार नहीं है। बुजुर्ग उनके लिए समस्या है। टूटे हुए परिवार और बिखरते हुए बुजुर्ग हमारे समाज की सच्चाई है। कुटुंब की अवधारणा से दूर होने के अभिशाप का हम सामना कर रहे हैं। तो रिपोर्ट में आपने सुना ही होगा कि हमारा देश, भारत देश, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर बुजुर्ग ही परिवार की नींव होते हैं, और जिस परिवार में बुजुर्ग होते हैं वो परिवार भगवान के वरदान से कम नहीं होता। जो परिवार के लोग बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनको जीवन की किसी भी समस्या हो या किसी भी मुसीबत में वो घिरे हो, उनको एक वरदान सा मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद सा मिलता है। लेकिन जिस तरह से हमने रिपोर्ट में सुना, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, वाकई ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, और आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर कुछ खास
खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ ममता शर्मा जी जुड़ चुकी है, जो कि समाज सेवी है, समाज के लिए कार्यरत है। इसके अलावा हमारे साथ नरेश गांगुली जी जुड़ चुके हैं, जो कि वकील है हाईकोर्ट में, और वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर है श्री हरि वृद्धाश्रम के। सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। वेद जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। भारत जिसे कहा जाता है कि भारत की संस्कृति के लिए कहा जाता है कि भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का अपना अलग ही महत्व है। हम अगर पुराने समय से की बात करें, अभी की बात करें, बुजुर्गों का होना एक आशीर्वाद सा माना जाता है हमारी संस्कृति में। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बदल रही है, परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है जो काफी ज्यादा सोचने को मजबूर कर देता है। और जो अवेयरनेस डे आज हम मना रहे हैं, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, कहीं ना कहीं हम ऐसे दिनों को मनाने में मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो संस्कृति का पतन हुआ है और जो आज का वातावरण है, इसमें जो है बुजुर्गों को एब्यूज का शिकार होना पड़ रहा है, एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाने सरकार और समाज मजबूर है, दूसरा ये जो मोबाइल क्रांति है, ये भी एक एब्यूज के लिए एक बड़ा कारण सामने आता है। घरों में देखते हैं कि यदि जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं उन घरों में लोग मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, कंप्यूटर में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, जो कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट एब्यूज है। बुजुर्ग लोग उनकी सूरत देखते रहते हैं कि ये कब हमारे ऊपर देखेंगे, कब हमसे बात करेंगे। लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो इस संस्कृति के कारण बुजुर्गों का उतना ख्याल नहीं रख पा रही है। दूसरी ओर जो घरों में समस्याएं हैं जिनके कारण लोग वृद्धाश्रम आ रहे हैं, उसके पीछे भी मैं देखता हूं कि जो माता पिता भरण पोषण अधिनियम है, इसका भी सख्ती से पालन नहीं हो पाना एक कारण है। बिल्कुल, और ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत जैसे देश में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व भर में क्या कुछ स्थिति हो रही होगी बुज़ुर्गों की। ममता जी हमारे साथ जुड़ी है। ममता जी, जिस तरह से वेद जी ने भी जिक्र किया कि बढ़ती टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। जहाँ अगर हम पहले के समय की बात करें तो एक ही घर में हम देखते थे कि 15 से 20 लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, सब खुश रहते थे, संकुचित जो तकनीक होती थी, संकुचित चीज़ें होती थी, उसमें भी खुश रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, खासकर अगर हम बुज़ुर्गों के लिहाज से बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, क्या फैक्टर है जो बुज़ुर्गों को अपने परिवार से दूर करने को मजबूर हो रहा है? यानी जो बेटे हैं वो बाप की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, वृद्धावस्था में उन्हें छोड़ देते हैं, क्या वजह आपको लगती है? देखिए अस्मिता जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज स्थान की कमी हो गई है दिलों में, क्योंकि पहले हमारे घर छोटे हुआ करते थे, परिवार बड़ा हुआ करता था और दिलों में बहुत जगह होती थी। बिल्कुल, कि हम अपने घर के जो सगे बुजुर्ग है वो तो रहते थे, उसके अलावा भी हमारी दूर की बुआ है, विडोज है, मामी जी है, पिताजी की जो रहती थी मामी बुआ, ये भी हमारे घरों में आकर के रहते थे, इनका पालन पोषण भी बड़े खुशी खुशी एक दादी और नानी की तरह हम समझ के करते थे। बिल्कुल, तो आज यहाँ का जो जनरेशन की मैं बात करूं, मानसिकता जो है वो सिर्फ हम दो हमारे दो पे आकर के थम गई है। और ये मानसिकता कहीं ना कहीं समाज को एक इस विघटन के लिए, जो आज हमारे बुजुर्गों की दुर्दशा है, जो उनके साथ में इस तरह से अब्यूज बिहेव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बहुत हद तक ये जिम्मेदार है, क्योंकि आज हर एक को स्पेस चाहिए, उनका पर्सनल अपना एक ये है स्टेटस है, वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, वो घर में कम सोशल मीडिया में ज्यादा अपने आप को अपडेट दिखाते हैं, वो अपने दादी नानी और मदर्स के साथ फोटो खींच करके बहुत प्यार से डालेंगे, अच्छे स्लोगन डालेंगे, लेकिन घर में उनके साथ बर्ताव बहुत अपोजिट होता है। बींग अ एक्टिविस्ट, मैंने बहुत से ऐसे बुजुर्गों को उनके घर से रेस्क्यू किया है, जिनको एक स्वीपर के भरोसे विकलांग बुजुर्ग महिला है जो इसमें बेड रिटायर्ड हो चुकी है, उसको छोड़ के अच्छे घर में चले जाते हैं बेटे। आप, मैं बैगर हाउस रन कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ का पहला बैगर हाउस, यहाँ पे जो माताएं आई हुई है, इनके बच्चे जो है, माँ ने पिताजी की जगह उसको सरकारी नौकरी दिलाई, जाती तो खुद वो कर्मचारी वहां पे चपरासी की कर सकती थी, और बेटा शादी के बाद में माँ को उस किराए के घर में छोड़ के चला गया। अब वो कहाँ ट्रांसफर हुआ अभी माँ को भी नहीं मालूम।
और वो रोती हैं, बहुत सी माँ हैं कि हमने अपने बच्चे को पाला पढ़ाया, आज काबिल बनाया और वो उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो ये मानसिकता है, पूरी तरह से हम ऐसी मानसिकता के गुलाम हो गए हैं जिसमें सिर्फ मुझे सुकून मिले या जो मेरा अपना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सिर्फ मुझे सुकून मिले। तो जब तक हम अपने स्वार्थ की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपनी सोच ये नहीं मान के चलेंगे कि मुझे, अगर मैं दूसरों को खुशी दूंगा, उसकी भावना कद्र करूंगा, उसका मैं सम्मान करूंगा, तो सारे मुझे रिटर्न में मिलेंगे। ये सोच जब तक आपके भीतर नहीं आएगी, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम ये खुलते ही जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या हम अगर आंकड़े उठा के देखें लगातार बढ़ रही है। बढ़ने का कारण नेग्लिजेंसी। आज हमारा पूरा देश बहुत एडवांस हो गया है, जिसमें भारत देश तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तो परंपरा है ना, कि हमेशा से अपने माता पिता सेवा की भावना को लेकर के, लेकिन आज यहाँ की भी जो प्रवृत्ति है वो हमारे पाश्चात्य संस्कृति को अडॉप्ट कर लिए, और इसके कहीं ना कहीं प्रथम चरण में हम ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चों का व्यवहार माँ बाप के प्रति बहुत संस्कार विहीन, बहुत ज्यादा स्वार्थी, मतलबी, और उनके एक अहम का ये कि अगर उसके फ्रेंड सर्कल आ रही है, आ रहे हैं, तो मेरे माँ बाप जो अनपढ़ गंवार हैं, गांव से है, तो वो कई बार उनको नौकर है ये तक बता देते हैं। ये सारी घटना मेरे सामने खुद की है। तो ऐसे हालात में हमें आज सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं डिपेंडेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, महिला बाल विभाग, समाज कल्याण विभाग, WHO की बुजुर्गों के लिए कैसे रिहैब खोलना है, क्या करता है, लेकिन हम भी अपने आसपास के दायरे में अगर ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे सामने दिखते हैं, तो कम से कम हम दो बुजुर्गों की जिंदगी अपने उम्र काल में संवार सके, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज सेवा और एक बेहतर एक क्रियान्वयन के तहत हम उन बुजुर्गों को रिलीफ दे सकते हैं। आज बुजुर्गों में पार्किंसन की बीमारी है, उनमें डिमेंशिया बीमारी है, जिसमें भूल जाते हैं, घर से उनको निकाल दिया जाता है। मेरे यहाँ करोड़पति बुजुर्ग है जिसके भाई आते हैं और कहते हैं ये शादी नहीं किया, वो बोल नहीं सकता, थोड़ा फिजिकल ये है, और वो देख के उसको ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक ले जाने की प्रक्रिया नहीं पूरी करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ममता जी हम कह सकते हैं कि मानसिकता का ही फर्क है, और अगर इसी तरह की मानसिकता आगे भी चलती रही, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट आजकल लोग अपनाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में सेटल होना चाहते हैं, अगर यही आगे चलता रहा तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारा समाज पतन की ओर जाएगा। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े तो और भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक और हम देख रहे हैं कि भारत में जिस तरह से संख्या तो बढ़ ही रही है, बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है, और ऐसे में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराध भी बढ़ रहे हैं। 33% बुजुर्ग अपेक्षा का शिकार होते हैं, 13% बुजुर्ग हमारे देश में मारपीट का शिकार होते हैं, लगभग 57% से ज्यादा बुजुर्ग अपमानित होते हैं, रोज अपने घर में जो है जिंदा होकर भी रोज तिल तिल कर मरते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर नरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, म्यूट था एक्चुअली। जी जी हाँ, मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये जो मुद्दा आपने आज उठाया बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और ये एक ग्लोबल मुद्दा है। मतलब अगर आप एब्यूज अवेयरनेस डे आज जैसे हम लोग मनाते हैं 15 जून को, ये आज से नहीं, वर्ष 2011 से ये मुद्दा जोर पकड़ा था, जहाँ पे UN ने इसको इस दिन को मनाने हेतु लोगों को अवेयर किया। बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अभी कहे संस्कार, और जो बच्चे जो ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली छोटी फैमिली और हम सिर्फ हम दो हमारे दो वाला पैटर्न अपनाएं, तो कहीं ना कहीं जैसे ये मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे हम बात तो कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे के साथ साथ इसके निराकरण पे भी हमें कभी ना कभी डिस्कशन करना चाहिए। हमें इसके निराकरण कैसे हो, उस विषय पर बात करनी चाहिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, आज की डेट में देखिए सोशल मीडिया पर लोग गरीबों को खाना बांटने जाते हैं, गरीब कन्याओं की शादियां कराते हैं, भगवत कथा कराते हैं, और भी सारे ऐसे इवेंट चलते हैं, तो क्या कोई NGO, कोई स्वयं सेवी संगठन या संस्था ऐसा नहीं कर सकती सरकार के साथ मिलकर, कि जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं,
उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, आप उनको लाइए, आप फेसबुक पे और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रिशिएट कीजिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे परिवार भी उनसे प्रेरणा ले, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि भोपाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एसडीएम कोर्ट में 95 से लेकर 200 के बीच ऐसे केस चल रहे हैं और एक संस्था है हेल्प एज इंडिया, उसमें हर महीने लगभग 3000 ऐसी शिकायतें आती है जिसमें 1500 शिकायतें एब्यूज से रिलेटेड होती है, बुजुर्गों से जो एब्यूज होता है। तो बात संस्कारों की और सारी चीजें जो हो रही है कि न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली है, लोग ये चाहते हैं कि हमारा परिवार छोटा रहे, तो इसका छोटा परिवार का मतलब ये थोड़ी कि आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करो या उनको छोड़ दो, अगर वो बीमार है तो उनकी सेवा मत करो। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनकी देखा देखी आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे, तो एक तो परंपरा बहुत गलत चली आ रही है। तो मैं ध्यान आकर्षित इस बात पे कराना चाहूंगा कि यदि कोई स्वयंसेवी संस्थाएं संगठन इन चीजों को, जो सारी चीजें अच्छी होती हैं, जो बच्चे अपने बच्चों को अच्छे से रखते हैं, कई ऐसे होते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कई लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उनको पीड़ित करते हैं, इलाज नहीं कराते, लेकिन इसके उलट एक दूसरा सिक्के का पहलू भी है जिसमें कई बच्चे अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो वाला जो फैक्टर है उसको आप इतना हाईलाइट करो कि उसको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित हों। आज हम मंदिर में जब 50 लोगों को खाना खाने बांटने जाते हैं या कोई गरीबों की मदद करता, तो ये बड़े बड़े वीडियो और फोटोज और एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो ये संस्कार जो भारत के थे, भारत के संस्कार ऐसे ही आगे बढ़ाए जा सकते हैं कि आप एक दूसरे को ये सारी चीजें एक सोशल मीडिया पे भी इसका वो हो। सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है कि इस संबंध में कोई ठोस कानून नहीं बना। बिल्कुल। यदि कोई बच्चे अपने माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ना, अभी 3-4 साल पहले मैंने भोपाल में एक वाक्य पढ़ा था कि एक बच्चे बेटे ने अपने माँ को और शायद मौसी थी या उसकी कोई कजिन थी, उसको कमरे में बंद कर दिया, 3 साल तक वो कमरे में बंद की है, उसके बाद उसका वो मर गई, उसके कंकाल उस रूम से निकले। तो इसके प्रति एक ऐसा कानून होना चाहिए कि यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो कड़े से कड़ा कानून हो। एक तो कानून की कमी है, आज किसी भी बुजुर्ग को यदि कोई तकलीफ होती वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एसडीएम कोर्ट जाएगा, एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुनवाई के दौरान बोलना नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था भी इतनी सुस्त और लचर है कि वो सारी चीजें मैनेज करते 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 इतना टाइम हो जाता है कि वो सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। जो एक व्यक्ति बुजुर्ग एक बार एसडीएम कोर्ट में या कहीं शिकायत करता है उस पर त्वरित कार्यवाही कभी नहीं होती। बिल्कुल, कुछ ऐसा होना चाहिए कि त्वरित कार्यवाही हो, तब जाके ये सारी चीजें रुकेंगी। जी बिल्कुल नरेश जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, सबसे अच्छा पॉइंट एप्रिसिएशन का, जहाँ हम देख रहे हैं कि आजकल का दौर सोशल मीडिया का, और अगर हम अभी जेंजी जनरेशन की बात करें तो छोटी सी छोटी चीज भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ऐसे में अगर हम अपने परिवार के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ इस तरह से सामने निकल कर आएंगे तो वाकई ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संदेश सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचेगा और लोग भी अपनों को लेकर ज्यादा जागरूक होंगे। वेद जी, आप वृद्धाश्रम चलाते हैं, हजारों कहानियां आपके सामने आती होगी, हजारों बुजुर्गों की दास्तां आप सुनते होंगे रोज, और ऐसे में आज इतना बड़ा दिन है, ऐसे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं? और सबसे पहले तो आपको सलाम करना चाहूंगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो बुजुर्ग जो अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए अपनी ताउम्र जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, अपने आप को नहीं देखते और अंत में उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ता है और आप जैसे लोग उन्हें सहारा देते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ संदेश आज आप जनता को देना चाहेंगे? अभी सर ने जो रिजल्ट ओरिएंटेड बात की तो उसमें तो मैं ये कहूंगा कि स्कूलों से ही नैतिक शिक्षा के अध्याय शुरू करना चाहिए। पहले हमारे जमाने में जब हम स्कूली शिक्षा में पढ़ते थे तब नैतिक शिक्षा का पाठ होता था और उसके नंबर भी मिलते थे। आज नैतिक शिक्षा जैसा सब्जेक्ट एजुकेशन से गायब है, जो शुरू होना चाहिए। दूसरा, मैंने अभी देखा कि भोपाल के ही असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर तिवारी साहब हैं, उनकी इकलौती बेटी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के गई,
और वो ये बोल के गई कि उनकी मैरिज, उनका एक बेटा है, बहुत सीरियस है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, हमारे यहाँ सेवा बहुत अच्छी होती है, तो 4 दिन की मोहलत दे दीजिए, और वो वृद्धाश्रम में छोड़ के गई। और इसके बाद उन्होंने टेलीफोन बंद कर लिया और तमाम प्रॉब्लम हुई। और जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको जो है डिमेंशिया था, उनको कुछ याद नहीं था, और इवन उनका जो आधार कार्ड उन्होंने दिया था वो भी जो है पुराना था, यानी कि वैलिड नहीं था, उस पते पे वो रहते ही नहीं थे। हमको काफी प्रॉब्लम हुई, और इसके लिए जब हम धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने के लिए थाने गए तो पुलिस वालों ने ये कहा हमसे कि ये तो कोर्ट का मैटर है और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, लेकिन व्यवहारिक आधार पे जो है ना फिर आईजी साहब ने मदद की और वापस उनके घरों में पहुंचाया। हम लोग ऐसे 3,000 बुजुर्गों को उनके घरों में पहुंचा चुके। कोशिश करते हैं कि यदि वृद्धाश्रम में बुजुर्ग आ रहे हैं तो जो वृद्धाश्रम है वहां पर केवल निराश्रित, निर्धन और बेसहारा बुजुर्गों को ही सहारा मिलना चाहिए, लेकिन माँ बाप की जगह तो जो है घर में ही होती है। बिल्कुल, और बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं लोगों से कि वर्ल्ड का कोई भी वृद्धाश्रम वो खुशियां नहीं दे सकता जो घर में मिल सकता है। मतलब वृद्धाश्रम में हमारे यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि घर से अच्छी सुविधा है। इवन कोविड जैसी महामारी में 65 लोग एक छत के नीचे रहे लेकिन एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ, यानी वहां केयर बहुत अच्छी है। लेकिन बावजूद इसके मैं कहता हूं कि हम लोग रोशनी बढ़ा सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग धूप पैदा नहीं कर सकते। जो धूप का जो नेचुरल जो कैरेक्टर है, तो माँ बाप को जो सम्मान और सुरक्षा घरों में मिल सकती है वो घर में जो किसी वृद्धाश्रम में तो नहीं मिल सकती। बिल्कुल बेजी, और अनादि टीवी की भी हमेशा से यही प्राथमिकता रही है कि इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। और आपने आपका कीमती समय दिया, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो देखिए, आज काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय पर हमने चर्चा की। जिन बुजुर्गों को हमारे घर की नींव कहा जाता है और कहते हैं कि अगर नींव मजबूत होती है तो आने वाली इमारत, ऊपर बनने वाली इमारत भी मजबूती के साथ खड़ी होती है, तो ऐसे में यही संदेश अनादि टीवी के जरिए हम दर्शकों को देना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग ही हमारी घर की खूबसूरती होते हैं, हमारे बाग को हमारे बुजुर्ग ही गुलजार करते हैं, और ऐसे में उनको इज्जत देना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन आगे सफल होता है। तो ऐसे में उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।